किसानों की आय दुगनी करने के लाख दावे सरकार कर रही है, लेकिन धरातल पर आज भी किसानों का व्यापारी व मंडी प्रशासन मिलकर खुलेआम शोषण कर रहे हैं। धार जिले की मनावर मंडी में किसानों के साथ हो रही लूट व व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर किसान संघ ने मंडी सचिव को ज्ञापन दिया। मांगे पूरी न होने पर किसान संघ मंडी गेट पर लगाएगा ताला। धार जिले की कृषि उपज मंडियों में किसानों के साथ आए दिन हो रही है धोखाधड़ी। प्रशासन की बड़ी लापरवाही से किसानों में आक्रोश फैल रहा है। मनावर की कृषि उपज मंडी में अधिकारियों व कर्मचारियों की मदद से किसानों के साथ छल किया जा रहा है। मंडी का पत्रक व सारी कागजी कार्रवाई मंडी कर्मचारियों को करना चाहिए, जो व्यापारी खुद ही अपनी मनमानी से कर रहे हैं। सैकड़ों किसानों के साथ किस प्रकार धोखाधड़ी की जाती है उसका एक उदाहरण देखने को मिला, जिसमें जसवंत नामक किसान ने 29 क्विंटल मक्का 1300 रुपए के भाव से बिना नीलामी के व्यापारी को बेची, जिसकी बिना रसीद के सौदा किया। लेकिन जब किसान को पर्ची थमाई तो उसमें तोल के साथ साथ भाव भी 2000 रुपए दर्शाया गया, जो सीधे सीधे व्यापारी को लाभ हुआ। यही कारण है कि किसान की आमदनी सौदा पर्ची पर तो दिखती है, वास्तविकता में किसान को उसका लाभ नहीं मिलता। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। नरेंद्र कामदार, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष, जिला मनावर। आज इस विषय में रखी गई थी, आज जो बैठक रखी गई वो मंडी में जो अनियमितता चल रही है, मंडियां सभी बंद है, बाकानेर मंडी, सिंघाना मंडी, मनावर मंडी, यहाँ पर कोई खरीदी नहीं हो रही थी। और जो खरीदी भी हुई है उनमें बहुत सारी धानलियाँ थी, जैसे उदाहरण के लिए प्रकाश सेप्टा, उनका माल 21 कुंटल था और भुगतान पर्ची में उनका 31 कुंटल भरा है। 1000 के भाव से पैसा दिया है किसान को और भुगतान पर्ची में 1520 रुपये का भाव डाला है। तो इस प्रकार से कई अनियमितता थी, उन अनियमितताओं को लेकर के किसान संघ ने मंडी सचिव महोदय से निवेदन किया कि आप व्यापारी किसान एवं अधिकारियों के साथ बैठक रखवाएं और बैठक में निम्न बातों का निराकरण करवाएं। ये अनियमितता किसके द्वारा की जा रही है? अनियमितता मंडी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो इसमें इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अधिकारी या व्यापारी? मंडी सचिव महोदय एवं उनका क्या कहना पड़ रहा है अभी? उनका ये कहना पड़ रहा है कि ये सब लोग मेरे अंडर में नहीं है, मेरी नहीं सुनते हैं, इनकी जड़ें जमी हुई है, इसलिए मैं इनके ऊपर कोई ज़्यादा दबाव नहीं दे सकता हूँ, ऐसा मंडी सचिव महोदय का बोलना है। ये जो कागजी कार्रवाई होती है वो कौन करता है? ये कागजी कार्रवाई जो भी है मंडी सचिव को करना है, उनको ही सारी व्यवस्था सुधारना है। तो वो पल्ला क्यों झाड़ रहे इस बात से? वो तो अब आप उनसे पूछना, मंडी सचिव महोदय से। और हमारे किसान जो है उनको हमने भी सूचना की है और मंडी से भी, आज अब इन्होंने ये प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी भेजी है, तब जितने भी किसान है वो सब मंडी में आकर के माल बेचेंगे। और ये जो हुआ है वर्तमान में कि किसानों का माल कम लेकर के अधिक बताया, तो सरकार के पास भी ऐसी न्यूज़ जाती है कि किसानों का उत्पादन अधिक हुआ है, किसान को पैसा मिला है, कीमत अच्छी मिल रही है, तो ये गलत जो जानकारी जा रही है वो बहुत गलत है, गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। तो इसका हम विरोध करते हैं और मंडी की व्यवस्था सुधरना चाहिए, ऐसा मंडी सचिव महोदय से निवेदन किया, हमने व्यापारियों से भी निवेदन किया है। और मंडी का समय जो है सुबह 10:30 से 11 बजे तक सुबह नीलामी होगी अब आज के बाद में, और दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक नीलामी होगी। इसके बाद में जो भी किसान लाए वो या तो 2-3 दिन तक माल खरीदेंगे, नहीं तो उसके बाद वापस जाएंगे। डेली उनको मंडी समय पे ही अपने उत्पाद लेकर के आना है। धन्यवाद। अच्छा जी, आज ये किस विषय पर रखी गई थी आप लोगों की बैठक? यहाँ जो है किसानों के यहाँ आज से 3 माह पूर्व अपनी उपज आ गई थी, लेकिन अभी तक मनावर मंडी, मनावर के सानिध्य में दो जो उप मंडियां है बाकानेर और सिंघाना, आज तक चालू नहीं हुई। और किसानों को जो है अपनी उपज, किसानों को पैसे की आवश्यकता है, अपनी उपज घर से या किसान व्यापारी के घर बेचना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ पिछले 10 सालों से मंडियां नहीं चल रही है, मनावर की मंडियां जब शासकीय खरीदी होती है जब ही चलती है, और किसानों का माल घर से गैर लाइसेंसधारी व्यापारी खरीदता है और प्रतिवर्ष 1-1.5 करोड़ रुपया जो है किसानों का डूब जाता है। हमने आज ये मांग करी है कि तीनों मंडियां लगातार किसानों की उपज आए चले। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो मंडी है मनावर मंडी, इसमें व्यापारियों का कब्जा है। अच्छा। जिन सेटों पर जो सेट बने हुए हैं यहाँ मंडी के, इन मंडी सेटों पर किसान अपनी ट्रैक्टर ट्राली बैलगाड़ी लगाने की व्यवस्था है, उस सेटों पर व्यापारियों ने अपना खरीदा हुआ माल भर रखा है। अब किसान का अगर मंडी में माल भी लाए तो कहाँ से लाए? व्यापारियों ने कर रखा है यहाँ पर कब्जा?
यहाँ के ये जो व्यापारी है तो मंडी सचिव और सभी व्यापारियों का है, लोकल व्यापारी जो है, हाँ यहाँ के जो लोकल व्यापारी है। अच्छा। एक तो ये मंडी के सेट खाली हो। अच्छा। दूसरी बात, मंडी प्रशासन पिछले 10 सालों से मंडियाँ बंद है, तो मंडी प्रशासन ने पॉम्पलेट के जरिए किसानों को होने वाले नुकसान को दर्शाते हुए मंडी चालू करने का जो है लगातार पूरे मंडी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना चाहिए। अच्छा। ये हमारा कहना है। और आज के बाद मंडी सचिव ने कहा है कि आज के बाद किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, तीनों मंडियां चलेगी। अगर चलती है तो भारतीय किसान संघ स्वागत करता है, अगर इसी प्रकार से मंडियां नहीं चली तो भारतीय किसान संघ मंडी के गेट के ताले लगा देंगे और आंदोलन करेंगे। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, आज मंडी के प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान SDM महोदय है, वो भी सुन ले इस न्यूज के द्वारा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ SDM कार्यालय का भी ताला लगा देगा। सर नमस्कार, नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम सुभाष सिंह कनास। सर आज जो किसान संघ जो आए थे आपके पास किसानों, ये किस पर्पस आए थे? ये मंडी की पहले से कुछ समस्याएं थी, मैं तो अभी आया हूँ, फिर भी मेरे कुछ व्यापारी का पेमेंट या वजन वजन बढ़ाने जैसी कोई मेरे सामने आया संज्ञान में, उसका ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उस व्यापारी संबंधित व्यापारी का नाम, व्यापारी का नाम शायद उसका नाम रिद्देश, रिद्देश आगे उसका कुछ, क्या नाम है सर? रिद्देश ट्रेड क्रॉप। धन्यवाद। Subscribe now to most exciting channel ever.